बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्क्सिस्ट एजुकेशन के हवाले से क्या समझते हैं और क्या क्या चीजें वो डेवलप करने की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, कोर आइडिया है, अभी हम कोई बेसिक आइडिया से तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जी, याद रखिएगा, मार्क्सिस्ट दरअसल दे आर अगेंस्ट द क्लास इनइक्वालिटी, उसके साथ साथ दे आर अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बिकॉज ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्लास इनइक्वालिटी ही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एम आई राइट? ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। यहां पर मार्क्सिस्ट दरअसल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को अच्छा तसव्वुर नहीं करते, बिकॉज उनके नजदीक सोसाइटी के जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर वीडियोस पूरी देख ली, शो भी शुरू भी नहीं है। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, मार्क्सिज्म के नजदीक दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिप्रोड्यूसिंग द आइडियोलॉजी अगेंस्ट द क्लास इक्वालिटी और कम्युनिज्म और इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। सही है, आइडियोलॉजी वाली बात जो हमने कही थी। ठीक है, अब एजुकेशन भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे वाइटल रोल्स परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एजुकेशन के फंक्शंस की बात करूं, तो ये बात समझ में आती है कि क्या चीज समझ में आती है, जब एजुकेशन अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, एम आई राइट? अब लेट सपोज इधर देखिएगा, क्या समझ में आती है इनके नजदीक, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन may lead towards class inequality। यानी कि जब एजुकेशन अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा तो क्लास इनइक्वालिटी पैदा होगी। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव वर्कफोर्स। अब देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो मैं आर्गुमेंट क्रिएट करके दे रहा हूं ना, दरअसल सेम आर्गुमेंट इवैल्यूएशन में यूज होंगे, am I right? जब आप फंक्शनलिज्म की आर्गुमेंट दे रहे हो तो आप एग्जैक्टली आर्गुमेंट क्रिएट करोगे। अभी इधर टेक्निक समझना, मैंने कहा प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव वर्कफोर्स, बहुत सिंपल सी बात है मार्क्सिज्म के नजदीक। ठीक है, ये बात अगर मार्क्सिज्म के पास आ जाए ये बात, तो कहेंगे एजुकेशन सिस्टम दरअसल फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स कर रहा है। क्या कहानी है दरअसल फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स की, इसको समझ लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स ये समझिएगा, आप अपने स्कूल के अंदर क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहे होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स हैं, दरअसल क्या हो रहा है भाई, हेलो सुन लो भाई, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स हैं दरअसल डिफरेंट डिपार्टमेंटल वर्कफोर्स पैदा करेंगे, एम आई राइट? ऐसी बात है, डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स है, इससे होगा क्या, नो वन द होल प्रोडक्शन प्रोसेस, एम आई राइट? कोई भी बंदा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जानता नहीं होगा, एम आई राइट रॉन्ग, एम आई राइट? यानी कि अब लेट सपोज आपने पढ़ी एचआर, इन्होंने पढ़ी प्रोडक्शन, इन्होंने पढ़ी मार्केटिंग, तो हर बंदा अपने सब्जेक्ट सेट्स में एक्सपर्ट है, नो वन विल नो द होल प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट इज ऑल अबाउट फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि आप वर्कफोर्स को पूरा डिवाइड कर देते हो मार्केट में। एनी कंफ्यूजन टेल, नहीं समझ आया बेटा, समझ आ गया? अब जरा सोचिए जवाब, कैपिटलिज्म कंटिन्यू होगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स से?
तुम्हारी इंडस्ट्री है, सही। अब ये जो आपकी फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स होती है, दरअसल ये प्रोटेक्शन टू द कैपिटलिज्म होती है। कैपिटलिज्म को एक तरह से ये प्रोटेक्शन मिल रही होती है। आप बिल्कुल सुकून में बैठे होते हैं एज अ कैपिटलिस्ट, कि किसी को भी पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस पता नहीं। एनी कंफ्यूजन टेल हियर? किसी को सवाल है, सवाल से पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब मैं हर आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा हूं और उसके साथ साथ उसके मार्क्सिस्ट के आर्गुमेंट भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, एजुकेशन सिस्टम को हम कहते हैं ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोवाइड करता है एंड सोशल कंट्रोल करता है, जिसमें आप सोशल कंट्रोल हो गया, लर्निंग ऑफ वैल्यूज हो गया, ये सारे पार्सन्स के ऑर्गुमेंट तैयार है, लर्निंग ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये सारे ऑर्गुमेंट के हवाले से हमारे मार्क्सिस्ट कहते हैं एजुकेशन is an ideological state apparatus, सही है। एक्चुअल में एजुकेशन क्या कर रहा है? एक्चुअल में एजुकेशन कर रहा है कल्चरल रिप्रोडक्शन। अब कल्चरल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? कल्चरल रिप्रोडक्शन कहते हैं कि रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी का सोसाइटी में रिप्रोड्यूस होना। ये बात तो समझ में आती है। फैमिली में आइडियोलॉजी का स्टेट अपैरेटस पढ़ा था, वही सेम फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रीवा, नहीं समझ में आ रहा? पक्का? ठीक है। अब तुम्हारा वाला सवाल मुझे कल भाई, जब तुम्हें समझ में नहीं आता तो एक मिनट पहले इसको रोकेंगे, फिर बात। चले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखें, एंटाइसिस और एवैल्यूएशन को समझते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम में सवाल आ गया फंक्शनलिज्म का, आपने ये आर्गुमेंट फंक्शनलिज्म के लिए डेवलप किया है, राइट? ठीक है। आपने हाउएवर देखिए सिर्फ इस आर्गुमेंट का को स्टार्ट कर दिया कि इस बात का एंड अप ये चीज भी हो सकती है, इस बात का एंड अप ये चीज भी हो, यानी कि इस चीज का कंसीक्वेंस ये चीज भी हो सकती है, राइट? फिर आपने पूरा एंटाइसिस का पैराग्राफ डेवलप किया। आपने कहा ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, अब वो मार्क्सिस्ट के थ्योरीज के साथ डिटेल के अंदर जो हम चीज डेवलप करेंगे वो एंटाइथीसिस कंसिडर की जाएगी। इवैल्यूएशन में सिर्फ आर्गुमेंट को क्रिएट किया जाता है, एम आई राइट? ये जैसे हमने आर्गुमेंट को टच किया है, कोई मसला? ठीक है, आर्गुमेंट को सिर्फ मैंने टच किया है। कॉमन सेंस एलिमेंट समझा जाता है कि भाई अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग दैट मींस यू आर डूइंग वेरी गुड, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इट मींस यू आर नॉट डूइंग गुड। लेट्स सपोज इसकी बहुत सिंपल सी बात हम कल्चरल कैपिटल के साथ भी करते हैं। क्या करते हैं? कल्चरल कैपिटल के साथ भी करते हैं कि कल्चरल कैपिटल वही चीज, अगर आपके पास इफ यू आर फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट वैल्यूज इट मींस यू आर हैविंग गुड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, कल्चरल कैपिटल। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट वैल्यूज आप डेफिनेटली बात है वो चीजें अचीव नहीं कर रहे हैं। Am I right or wrong? Exactly, exploit होना, बिल्कुल। False class consciousness क्या चीज होती है? यही चीज होती है। You means it means ये false class consciousness AS में पढ़ा था बेटा। तो ये क्या पढ़ा था कि भाई हम अज्यूम कर लें जो हमारे साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। We accept inequality as a natural phenomena. Am I right? इस तरह से ये बात क्लियर होती है बात? Any confusion चले? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं थोड़ा सा आर्गुमेंट्स को डेवलप करता हूं। देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को कोर एक आइडिया डिक्लेयर कर दिया कि आप लोग किस तरीके से इवैल्यूएशंस को भी यूज कर सकते हो, मार्क्सिस्ट को यूज कर सकते हो फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। एनी कंफ्यूजन क्लियर है? यहां पर हमारी दोनों चीजें कंटिन्यूटी में नजर आ रही है। देखो, ये टेलकर पार्सन्स का आर्गुमेंट था, सही। अच्छा, अब मैं अगर एक बहुत सिंपल सी बात करूं कि फंक्शन, चलो एक और आर्गुमेंट भी क्रिएट कर देते हैं कि भाई सोशल सॉलिडैरिटी प्रोड्यूस करता है, सही है। इसका तो बहुत ही बेसिक सा आर्गुमेंट क्रिएट होगा। अब मुझे इसका कोई इवैल्यूएशन बना के दिखाएं कि सोशल सॉलिडैरिटी, एजुकेशन द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप सोशल सॉलिडैरिटी और वैल्यू कंसेंसस विद द सोसाइटी, इसका इवैल्यूएशन बना के दिखाओ। ये तुमने एएस में पढ़ा था, जल्दी जल्दी दिखाएं। अप्रेज द नीड फॉर सोशल चेंज, अप्रेज द नीड फॉर सोशल चेंज। भाई फंक्शनलिस्ट में एमएल डर्किन का हमने आर्गुमेंट क्रिएट किया द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू एस्टैब्लिश सोशल सॉलिडैरिटी। हाउएवर
अब हाउएवर डाल के मुझे इस मार्क्सिस्ट का थ्योरी डालनी है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वी कैन से के सोशल सॉलिडैरिटी के कांसेप्ट हम एजुकेशन के थ्रू ये बोल सकते हैं लोगों के दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि उनको सोशल नीड की जरूरत नजर आए। और कोई बेसिक आर्गुमेंट बता सकते हैं? क्या कह रहे हो? कॉमन इंटरेस्ट वाली बात लिख दी ना यहाँ पे, हमने फंक्शनल आर्गुमेंट क्रिएट कर दिया। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि लोगों के लिए कहते हैं मार्क्स ना, छोड़ दें। एग्जैक्टली सिंपल सी बात है, यानी कि हाँ सिंपल तो सही है, ठीक है, यानी कि कुछ भी कह रहे हो क्या समझ में नहीं आ रहा चाहिए। ऑन द अदर एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज टू एस्टैब्लिश अ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और एस्टैब्लिश अ कैपिटलिज्म इन द सोसाइटी। सही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर मैं अच्छे से वर्ड्स में लिखना चाहूं, स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म की एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। एनी कंफ्यूजन चले? अभी आपने देखा मैंने टेक्निक क्या इंप्लीमेंट की, मैंने आप लोगों को कोर आर्गुमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म भी समझा दिए और उसके साथ साथ फंक्शनलिज्म की इवैल्यूएशन के साथ भी समझा दिया, ठीक है। अब अकल बढ़िया भैंस, मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल में मार्क्सिज्म का आर्गुमेंट आ जाए और आप ये आर्गुमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, इवैल्यूएशन इससे क्रिएट कर सकती हो या नहीं कर सकती हो? कर सकती हो बता दो, पक्का? आर यू श्योर अबाउट इट? ठीक है, चलें जी, एक स्टेटमेंट लिखें साइड पे, द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज The main function of education is to maintain social solidarity inverted commas close give two arguments against this view। ये 12 मार्क का सवाल है, एग्जाम में 12 मार्क का आएगा, ठीक है, पूरा मार्क्सिज्म आ जाएगा इसके अंदर। खातून दो पैराग्राफ एक्सप्लेन किए, समझ आई टेक्निक? समझ में आई? कोई मसला आया था? नवाज समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू मेंटेन द सोशल सॉलिडैरिटी। गिव टू आर्गुमेंट्स चले जी, अब थोड़ा सा और डिटेल आर्गुमेंट की तरफ आते हैं हमारे मार्क्सिज्म के हवाले से, ठीक है जी। देखिए हमारे पास एजुकेशन एंड मार्क्सिज्म इस हवाले से जो हमारे पास कोर थ्योरिस्ट हैं, हम थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हैं कार्ल मार्क्स, सेकेंड थ्योरिस्ट है हमारे पास अल्थूज़र, पॉल अल्थूज़र कहते हैं इनको, थर्ड थ्योरिस्ट है हमारे पास बोल्स एंड जिंडस। अल्थूज़र तो सर ऐसे वाले हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं बहुत बेसिक लेवल पे, अब देखो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, एवरीवन यार मुझे कंसंट्रेशन चाहिए 2 मिनट की, ठीक है। अगर जिंदगी के अंदर कभी एजुकेशन एंड मार्क्सिज्म को परसू करना है, यानी कि आपने लिखना है उस चीज के बारे में, तो बेटा तीन चीजों को जहन में रखना, एवरीथिंग विल बी फाइन। तीन चीजों को जहन में रखोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। पहला है सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्मूला, दूसरा है कल्चरल रिप्रोडक्शन का फॉर्मूला, तीसरा है कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक है जी, समझ में आई बात? ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट बेस करता है, क्लियर हो रही बात? अब देखो इस चीज के साथ लिंक है हमारा कार्ल मार्क्स, इस चीज के साथ लिंक है हमारा अल्थूज़र,
और इसके साथ लिंक्ड है हमारा बोल्स एंड जिंडिस। इसके और भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन हम अभी कोर आर्गुमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई मसला यहां तक समझ आई बात? टेक्निक समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो मेरी बात सुन। अब कार्ल मार्क्स ने दरअसल एजुकेशन सिस्टम को कहा था दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। सही है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट हो रही है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन प्रमोट द कैपिटलिज्म, यानी कि एजुकेशन सिस्टम कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा है। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस हो रहा है। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम आपको क्लास कॉन्शियस बना देता है। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है आपके दिमाग में एक ऐसी अजम्पशंस क्रिएट कर देता है जो दरअसल आपको स्टिक करती है कैपिटलिज्म के सिस्टम के साथ। एम आई राइट? यानी कि आप अपनी मुकद्दर को, आप अपनी डिस्टिनी को, डिवाइन को आप दरअसल कैपिटलिस्ट के साथ लिंक कर देते हो, जिससे मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आप ये कहते हो, आप दरअसल इस बात को मानना शुरू करते हो कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अब वो चीज कैसे पता? हाँ, यानी कि सक्सेस पैरामीटर्स जो होते हैं वो आप डेस्टिनी के साथ लिंक कर देते हो। रिलीजन के हवाले से भी मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स ये कहता है, और एजुकेशन के हवाले से भी ये है कि आपकी एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग हो रही होती है आपके साथ, आपके दिमाग की, आपकी साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो रही होती है दरअसल, कि आपका दिमाग बनना शुरू हो जाता है इस चीज के हवाले से कि आई नीड टू बी पैसिव इंडिविजुअल। ये बात समझना सही है, ये चीज क्लियर, इस चीज को मैं आगे समझाने वाला था। ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं पैसिव वर्कर। आपका एजुकेशन सिस्टम दरअसल एक पैसिव वर्कर, जिस पर कार्ल मार्क्स ने बहुत ज्यादा बात की है, पैसिव वर्कर। ये पैसिव वर्कर कौन होता है? ये पैसिव वर्कर वो इंडिविजुअल होता है जो एक सुन इंडिविजुअल होता है। सुन का मतलब है एक दो तरह की ऑडियंस होती है, एक एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, पैसिव होते हैं हु यूज्ड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो भी उनकी जिंदगी में चल रहा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते। समझ रहे मेरी बात? पैसिव वर्कर वो इंडिविजुअल होता है जो कहता है इनइक्वालिटी को नेचुरल फिनोमेना कंसिडर करता है, रादर देन कि वो कैपिटलिज्म के साथ लेंगे। समझे? एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट कैपिटलिज्म इज क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म इज क्रिएटेड बाय द, समझ में आई बात? और इनइक्वालिटी इज क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट, रादर इट इज नेचुरल। एम आई राइट? According to the education system, inequality is a natural phenomena. Everyone will get education system is meritocratic. While according to Marxist, education system is not meritocratic at all. Education system is all based on one idea, जिसके मुताबिक आपकी society के अंदर social institutions आपके दिमाग को develop कर रहे होते हैं as a passive worker to accept whatever is going on within the society. Any confusion till here? Ariba? पक्का? अच्छा, okay. डेविसन मोड तो मिलेगा, मेरिटोक्रेसी तो फंक्शनल्स है ना बेटा, इवैल्यूएशन ना बिल्कुल कर सकते हैं, ओपन ग्राउंड, थैंक यू, दिमाग चल रहा है इसका मतलब। ओके, वेरी गुड, एनी कंफ्यूजन चलेगा? आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं इसको सिंपल करके कराऊं, जितना सिंपल करके करोगे देखो पैराग्राफ तो इसमें भी क्रिएट हो जाएगा, मुश्किल करके करने में कोई मुश्किल चीज तुम फंस जाओगे बात सारी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन। ये तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, ये दरअसल है आपकी वही वाली, कौन सी थ्योरी? एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? कल्चरल रिप्रोडक्शन। सही है, जिसमें पहली चीज तो हमारे पास आ जाती है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वाली थ्योरी आ जाती है। ठीक है, काफी हद तक सिमिलर है, सही कह रही है, दोनों एक ही है ना, बस सब सिमिलर है। हाँ, exactly. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वाली बात आ गई। अच्छा, इसके अलावा अब सुनिएगा, कल्चरल कैपिटल, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, देखो पर्सपेक्टिव वाला एरिया जो है ना, ये तुमने जो एएस में पढ़ा हुआ है वही कंटिन्यूटी चलेगी, वो जो, क्योंकि देखो फैमिली भी एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन भी एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें दोनों की सिमिलर है, लेकिन यहां से कहानी चेंज हो जाएगी, करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल से पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या है कल्चरल
कल्चरल नॉर्म्स जो सोसाइटी के अंदर कल्चरल नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, दरअसल ये कहा जाता है दैट दीज आर ऑल द कैपिटलिस्ट वैल्यूज। क्या है बेटा? कैपिटलिस्ट वैल्यूज। सम इंडिविजुअल्स यूज टू एक्सेप्ट दीज कल्चरल वैल्यूज और सम इंडिविजुअल्स यूज टू क्रिएट। अब देखो मेरी बात, टेक्निकल चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Those individuals who are not going to accept these cultural norms, which are the actually capitalist norms, are considered as the non-conformist. Am I right or wrong? If you are not following these cultural norms, you will be considered as a non-conformist. Am I right? Otherwise, if you are following it, it means you are a cultural. You are following the capitalist values, and you are having the cultural capital. Am I right or wrong? समझ में आई बात? यानी कि आपको एक अटायर दिया गया है, यू हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू एक्ट, ठीक है? यानी कि इनफैक्ट मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, एक है फिलोसोफर है, मैं उनकी देख रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपकी नौकरी होती है ना, सही, ये जो आपकी जॉब होती है, ये आपको दरअसल एक खूंटे से बांध देती है, सही है, वो आपको हैंग कर देती है एक पर्टिकुलर चीज के साथ, आप उस चीज से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आप उस चीज से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आपने अपना घर भी उसके करीब रखना है, am I right? आपने अपनी जिंदगी को उस पैराए के अंदर रहना है, am I right or wrong? जबकि वो एक बंदा बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है दरअसल, लेकिन क्या कहता है कि मैं कहीं भी अपनी फ्री विल के साथ ही जिंदगी गुजार सकता, am I right? तो वो दरअसल क्या है, वो कल्चरल नॉर्म्स है, आपने ड्रेस कैसे करना है, क्लियर हो रही है बात? हाँ, दैट इज ऑल अबाउट। दुनिया के अंदर जितने प्रोफेशन, जितनी आप होता क्या है, एक बहुत उन्होंने एक थ्योरी डिस्कस की थी, वो डिस्कस थ्योरी क्या थी समझिएगा, इंसान जब पैदा होता है ना दुनिया में तो आजाद होता है, am I right? एक तरफ आजादी होती है और दूसरी तरफ इंसान की जिंदगी में लग्जरीज होती है, ठीक है? इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे आजादी जो होता है वो बेचना शुरू करता है, सही है, और उसके अगेंस्ट में उसको पैसे मिलना शुरू करते हैं, am I right? सही है, आपको पैसे मिलना शुरू, आप अपनी लग्जरीज ले लेते हो लाइफ के, तो इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग कि आप क्या करते हो जिंदगी। अच्छा जी, थोड़ा सा अब आगे आते हैं, अब थोड़ी सी यहां से ना, यहां तक तो ए एस की कहानी थी, यहां से हम ए टू की कहानी पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बोल्ज़न जिंटस ने दिया, देखो यल्दुज़े की थ्योरी सेम सिमिलर थ्योरी चलती है यार, ये टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? वैसे मैं इसके नोट्स वगैरह सब दे दूंगा आपको, ठीक है? आप लोगों को जो मैंने फंक्शनलिस्ट के नोट्स दिए थे, आपने पढ़े हैं? ब्लू वाले जो आपने भेजे थे मैंने एक व्हाट्सएप किया था, हाँ पीडीएफ, ठीक है, एग्जैक्टली जो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा आ जाए, छोड़ दें, एक्सक्यूज मी, देखिए चलें जनाब, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, एवरीवन यार कंसंट्रेशन दीजिएगा प्लीज मुझे। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कहता क्या है इधर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो बोल्ज़न जिंटस ने दिया था, द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन of education reflects the structure of workplace, यानी के आपके education system का जो structure है वो workplace structure को reflect करता है, am I right? सही है, जैसे कि हमारा education system के अंदर बहुत सारी चीजें वर्क प्लेस की होती हैं, जैसे कि वर्क प्लेस इनइक्वालिटीज के हवाले से आपको आगाह किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा डिवीजन ऑफ वर्कफोर्स डेवलप की जाती है, अभी से आप लोगों की जिंदगियों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग हो, am I right? अभी आप अगर स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर भी देखो तो आपको क्या लगेगा कि यार साइंसेज वालों का माइंडसेट डिफरेंट होता है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों का डिफरेंट होता है, और मीडिया और आर्ट्स वालों का तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, वो अलग दुनिया में चलते हैं, उनकी अलग दुनिया होती है, सही है? एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट डिविजन ऑफ वर्कफोर्स। आपके जहन में आ गया कि हर बंदा अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, am I right? वही फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है? एक्चुअली जो वर्कप्लेस इनइक्वालिटीज होती हैं ये हायरार्की के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, मैं राइट रहा हूं, और आपको एक इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि रिस्पेक्ट द हायरार्की, रिस्पेक्ट द हायरार्की। व्हाट इज दिस, हाउ इज द हायरार्की इज दिस, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी आप होते हैं, सही है, आप बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, सही, आप बिल्कुल अंडर कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, मैं राइट, आप लोगों से ऊपर टीचर्स होते हैं, जस्ट लाइक अ मैनेजर्स, मैं राइट,
और उन मैनेजर्स के ऊपर कैपिटलिस्ट बैठे हुए होते हैं, राइट? स्कूलिंग सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। आपको सिखाया जाता है रिस्पेक्ट द मैनेजर, रिस्पेक्ट द वर्क प्लेस, और एक्चुअली आपको एक पैसिव वर्कर के फॉर्मेट में क्रिएट किया जाता है, राइट? मेरा एक स्टूडेंट था, वो ना इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी होटल चेन है, उसके उसकी फैमिली की है, ठीक है? उसका वो बड़ा ही फारिग स्टूडेंट था, लेकिन इंसान बहुत अच्छा था। वैसे भी आज भी मैं लोगों से उनको उनके स्टूडेंट अच्छे बुरे होने से नहीं जज करता, मैं उनके इंसान होने पर जज करता हूँ। तो उससे मेरी आज ही बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है? बहुत वाकई था मेरे आज वो मेरा हम दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, तक दोस्त बैठे हुए लिटरली। तो उसने एकदम उससे सवाल किया, और बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उसने कहा, बॉस मुझे एक बात बताओ तुम। मैंने कहा, क्या? कहता है कि भाई ये जो हमारा बिजनेस का जो करिकुलम है, या फिर हमारा जो करिकुलम है A-levels का, वो तो हमें बिजनेस करना तो नहीं सिखा रहा। ये तो मुझे पता है बिजनेस ऐसे नहीं होता जैसे सिखा रहा है, सही है? मैं दो मिनट के लिए खामोश था, मैंने उसकी बात सुनी, फिर मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा, फिर मेरे दादा ने दिमाग में जवाब दिया, मैंने कहा यार देखो ये बात सारी है, फिर मुझे और दिमाग खुला मेरा इस पर कि दरअसल ये जो करिकुलम है, ये करिकुलम आपको एज अ बिजनेसमैन या कैपिटलिस्ट बनाने के लिए नहीं बनाया गया, ये करिकुलम एज अ मैनेजर ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। Am I right wrong? कैपिटलिस्ट वही आपका जेनेटिक्स वाली बात आ गई, ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसका चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव और तुम्हारा देखने चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव जमीन आसमान का फर्क है। हम एक्चुअली वो एज अ पैसिव इंडिविजुअल के तौर पर कंसिडर करते हैं, वो जो आपके कैपिटलिस्ट वैल्यूज होते हैं, वो जो कैपिटलिस्ट फैमिलीज होती हैं, वो दरअसल उसको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट के फॉर्मेट में देखते हैं। एम आई राइट? समझ में आई बात? तो एक्चुअल के अंदर वो जेनेटिक एलिमेंट आ रहा होता है, वो आपकी फैमिली से आ रहा होता है। यानी कि वो तुम सोचो उसमें आफ्टर ए लेवल वो इस पर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट की अपनी एक ब्रांच से खुद चलाता है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट की, हल्की ब्रांच, हल्की रेस्टोरेंट की नहीं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल? ये पूरी एलिमेंट क्रिएट होता है, यानी कंफ्यूजन चले गया। अब जरा टेक्निक समझिएगा, वो जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर करनी है 12 मार्क्स वाली, उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है? उस वीडियो के अंदर दरअसल मैंने इन्हीं स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर्टी, समझ आई बात? और मैंने उसने बताया, मैंने आपको एक 12 मार्क का सवाल लिख के दिया है, वैसे ही उसके अंदर एक्चुअली वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज वीडियो है, एम आई राइट? उसके अंदर पढ़ाया भी है, मैंने थ्योरीज भी डिस्कस किए, लेकिन ज्यादा चीजें मैंने कौन सी डिस्कस की है उसके अंदर, मैंने उसके अंदर बताया हुआ एक्चुअली। अगर आपने उस सारे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, दरअसल आपके 12 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और पर्सपेक्टिव वाला एरिया पूरा कवर हो जाएगा, फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाला। समझ में आ रही बात? जनाब आप लोगों को मैं आज एक 12 मार्क की वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, 12 मार्क के क्वेश्चन क्या एक्चुअली उसके अंदर क्या है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ऐसे स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। वो जो स्टेटमेंट्स हैं आप अपने पास कॉपी कर लें, वो आपके लिए एज अ प्रैक्टिस टूल भी यूज होंगी, आप उनको 12 मार्क के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कुछ थ्योरीज भी डिस्कस की, एडिशनल थ्योरीज हैं इनके अलावा, ठीक है? एक्चुअली में देखिए मेरी बात सुने, इन थ्योरीज को तो आपने करना ही करना है, बिल्कुल बेस है, राइट? अब जितनी थ्योरीज एड ऑन होंगी वो इनके इनसे ऊपर होंगी, इनसे ज्यादा होंगी, समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन ये हमारे कोर थ्योरिस्ट हैं। अब मैंने क्या किया, एवरीवन हियर, फंक्शनलिस्ट में मैंने 3 थ्योरीज डिस्कस कर लिए, मार्क्सिस्ट में मैंने 3 थ्योरीज डिस्कस कर लिए, ठीक है? आप लोगों ने मंडे वाली क्लास के अंदर उस वीडियो के साथ जितनी भी चीजें हैं वो लाजमी लेके करके आनी है, वीडियो में शेयर कर दूंगा उसका बोर्ड वर्क, उस वीडियो का बोर्ड वर्क कॉपी करना है, और मैंने कुछ थ्योरीज डिस्कस किए उसको आपने लिस्ट डाउन करना है, राइट? बेटा मरियम समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा? नवाल एनी प्रॉब्लम बेटा? पक्का सही? ओके, अपना ख्याल रखें, सी यू ऑल ऑन मंडे इंशाल्लाह।